सत श्री अकाल, तुसी सुन रहे हो न्यूजीलैंड दा नंबर वन पंजाबी रेडियो साडे वाला रेडियो 87.8 FM। मैं हाँ मनदीप कौर संधु, लेके हाजिर हाँ पंजाब दे नाल संबंधित कुछ खास खबरां। कोटकपुरा गोलीकांड मामले च फरीदकोट अदालत ने सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, सबका DGP सुमित सैनी अते पांच सबका पुलिस अधिकारियों नू 23 मार्च नू अदालत विच पेश होने लई समन जारी किया है। मिली जानकारी दे अनुसार कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच करी ADGP LK यादव की अगवाई वाली सिट वालों फरीदकोट अदालत विच पेश चलान के आधार से सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल अते सबका DGP सुमित सैनी सने होर पुलिस अधिकारियों नू 23 मार्च लई समन जारी करके तलब किया गया है। जिन्हां होर अधिकारियों नू समन जारी किया गया है उन्हां च सबका IG अमरदीप सिंह चाहल, सबका DIG परमराज सिंह उमरा नंगल, सबका SSP चरणजीत सिंह शर्मा अते सुखमंदर सिंह मान अते SHO गुरदीप सिंह भी शामिल है। पंजाब विधानसभा च मुख्यमंत्री भगवंत मान ते सीनियर कांग्रेसी आगू ते पंजाब दे विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा दे विचाले भ्रिष्टाचार दे मुद्दे नूं लै के तिखी बहस हुई है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि विजिलेंस दफ्तर दे बाहर आम आदमी पार्टी दा झंडा ला दिओ। जो भगवंत मान ने कहा कि मेरी कमीज़ ते कोई धब्बे नहीं सिर्फ दाग ही ने, तां प्रताप बाजवा ने जवाब दिंदियां भगवंत मान नूं कहा कि हुण तां तुहाडी कमीज़ फट जानी है, दाग दा सवाल ही नहीं रहना। इस तो बाद पंजाब विधानसभा का सैशन दुपहरे 2:30 तक मुलतवी कर दिता गया सी। इस तो पहला प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिन्ना चिर वाघा बार्डर नहीं खुलता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू नहीं होंदा, उन्ना चिर पंजाब के हालात नहीं बदल सकते। उन्होंने सरकार को मुखातिब होंदया कहा कि साडे पिंड खाली हो रहे ने, नौजवान पीढ़ी बाहर वालू तुरी हुई है, इस वल खास ध्यान देने की लोड़ है। पिंडां दीआं पंचायतां कोल पिछले एक साल तो कोई पैसा नहीं आया क्योंकि मौजूदा सरकार कोली पैसा नहीं है। पंजाबी गायिका गुरलेज अख्तर के घर उपर कब्जा करने की कोशिश की गई है। यह मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान कोल पहुंच गया। हुण CM मान ने गुरलेज अख्तर के घर से कथित कब्जा करने की कोशिश करने वाले खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिते ने। मिली जानकारी मुताबक गुरलेज अख्तर फरीदकोट जिले के पिंड वांदर जटाना की जंपल है, जिथे उसका 4 मरलों का घर है। हुण इत्थे उसकी माँ राणी रहिंदी है। कुछ दिन पहला गुरलेज की माँ उसनू मिलन लुधियाना गई सी, जिस मगरों कुछ व्यक्तियों ने गेट का जिंदरा तोड़ के घर से कब्जा करन दी कोशिश की ते कुछ समान भी चोरी कर लिया। इस संबंधी गुरलेज की माँ वालों फरीदकोट के SSP ते मुख्यमंत्री भगवंत मान नू लिखती शिकायत भेजी गई सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले च तुरंत कार्रवाई करदियां पीड़ित नू इंसाफ देने की हदायत की है। गुरलेज की माँ ने दसाया कि उन्होंने इस संबंधी थाने च शिकायत दर्ज करवाई सी, पर मुलजमान खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के सबका उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति नाल संबंधित मामले च 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिता है। दिल्ली आबकारी नीति मामले च सिसोदिया को उन्होंने CBI रिमांड खत्म होने पर कोर्ट लिया गया। सिसोदिया को दिल्ली की तिहाड़ जेल च रखा जाएगा। विशेष जज MK नागपाल ने सोमवार को यह देखते हुए सिसोदिया को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिता। CBI ने इस समय उन्होंने होर हिरासत की मांग की नहीं सी, पर लोड़ पैन ते बाद विच इस मांग नू वधाया जा सकता है। इसलिए अदालत ने सिसोदिया को CBI अधिकारियों वालों आयोजित उन्होंने MLC च तय दवाइया लैन की मंजूरी दिती है। सिसोदिया के वकील ने न्यायिक हिरासत की म्याद दौरान उन्होंने एक जोड़ी चश्मा, एक डायरी, एक कर्म ते गीता लिजाण लई अदालत नू मंजूरी मंगी सी ते कोर्ट ने मंजूरी दे दिती है। विधानसभा बजट सैशन के दूजे दिन कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब के मौजूदा हालात से सरकार नू घेरिया। उन्हें कहा कि पंजाब च दिन दहाड़े कतलेआम हो रहा है, जिस करके लोग चिंता विच ने, पंजाब के माड़े हालात हो गए ने। पिछले साल तो जो भी घटनावां पंजाब च वापरियां ने कांग्रेस ने वार वार उसका मुद्दा चुकिया, सरकार कोल भी चुकिया
ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਖੜਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮਖੂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਡੀਆ SFJ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ 15 ਅਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਓ 87.8 FM। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।